चैतन्य धाम खाते सतपथ प्रश्न मंच ग्रांड फिनाले योजाशे। गुजरातना चैतन्य धाम खाते सतपथ प्रश्न मंच ग्रांड फिनाले नो त्रण दिवसनो भव्य कार्यक्रम योजावानो छे, जेमा राज्यना मुख्यमंत्रीना हस्ते पुरस्कार अपाशे, जेनी माहिती पत्रकारोने आपवामां आवी हती। 23-25 सप्टेम्बरना रोज अमदावाद गुजरातना चैतन्य धाममां सतपथ प्रश्न मंच ग्रांड फिनालेना भव्य कार्यक्रम योजाशे। અહિંસા ધર્મમાં માનતા, જીવો પ્રત્યે પ્રેમ ધરાવતો જૈન સમાજ હંમેશા દેશ અને દુનિયામાં સકારાત્મક કાર્યો માટે જાણીતો છે। આ ક્રમમાં અને સમગ્ર જૈન સમાજના આદર્શ વિદ્વાન આચાર્ય કલ્પ પંડિત ટોડરમલજીનો 300મો જન્મોત્સવ સતપથ ફાઉન્ડેશન દ્વારા સમગ્ર વિશ્વમાં હર્ષોલ્લાસ સાથે ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે। સામાન્ય માનવીના કલ્યાણ માટે પંડિતજીએ જીવનભર દંભ, અંધશ્રદ્ધા, દુષ્ટતા વગેરેનું ખંડન કરતા અનેક સારા શાસ્ત્રોની રચના કરી છે। અહિંસાના નિશ્ચયની અસાધારણ પ્રતિભાથી સમૃદ્ધ આચાર્ય કલ્પ પંડિત ટોડરમલજીનું યોગદાન સૂરતના સંવર્ધન માટે અનુપમ છે। પંડિતજી સાહેબની 300મી જન્મજયંતિની વિશેષ પરિમાણ આપવા માટે સ્વ અભ્યાસ શ્રેષ્ઠ માધ્યમ હોવાનું જણાયું છે। તેથી સ્વ અધ્યયનની વૃત્તિને વધુ વિકસાવવા માટે આ વિશ્વસ્તરીય સતપ્રત પ્રશ્નમંચના મોટા પાયે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં 10,000 લોકોએ ભાગ લીધો હતો અને આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવ્યો હતો। આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત કુલ 1,008 ઇનામો આપવામાં આવશે, જેમાં સતપથ પ્રશ્નમંચ ગ્રાન્ડ ફિનાલેમાંથી 200 સ્પર્ધકોને આમંત્રિત કરવામાં આવશે। પ્રથમ, દ્વિતીય, તૃતીય, નેક્સ્ટ ટોપ 10, નેક્સ્ટ ટોપ 20 વગેરેને પુનઃ પરીક્ષા દ્વારા એનાયત કરવામાં આવશે। ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ તેમજ રજનીકાંત પટેલના કમળ ચરણોમાંથી સ્પર્ધકોને ઇનામ આપવામાં આવશે। આ મહોત્સવ આદરણીય ડૉક્ટર હુકમચંદજી ભારીલ, હેમંતભાઈ ગાંધી અભિનંદન, પંડિત શૈલેષભાઈ, ડૉક્ટર સંજીવકુમાર ગુદ્દા, પંડિત સંજયજી જેવર અને પંડિત વિપિનજી શાસ્ત્રી વગેરે અનેક વિદ્વાનોની ઉપસ્થિતિમાં સિદ્ધ થશે, જેમાં દેશ વિદેશમાંથી અનેક સ્પર્ધકો, વિદ્વાનો, સાથીદારોને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે। ઉપરાંત સોશિયલ મીડિયા દ્વારા સતપથ ચેનલ પર ઘરે બેસીને આ કાર્યક્રમ પણ જોઈ શકાશે। પ્રાણી
की वसुधा हमारा कुटुंब है, उससे तो मनुष्य मात्र की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, प्राणी मात्र की रक्षा की भावना हमारी संस्था रखती है। आप सबका स्वागत है यहाँ विश्व स्तरीय साई दरबार छात्र फाउंडेशन 2019 में हमारे महापंडित टोडरमल जी साहब का 300वां जन्म वर्ष यहाँ मनाए जाने का निर्णय लिया हमने। योजनाएं बहुत सारी थी, बहुत तरह से उसको आगे बढ़ाना था। मैं आपको टोडरमल जी साहब के बारे में बता दूं, पहले हमारे मुख्य तीर्थंकर महाशय ने काम किया है। लगभग 300 वर्ष पहले उसी कार्य को आधुनिक हिंदी में या तात्कालिक भाषा में रूपांतरित करके जन जन तक पहुंचाने का अपना कार्य किया है। तो कोई ऐसे अद्वितीय विद्वान हुए हमारे, उससे पहले हिंदी गद्य साहित्य में कोई ऐसा लेखन करने वाला विद्वान नहीं था। मैं समग्र हिंदी साहित्य की बात कर रहा हूँ, सिर्फ जैनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जैन अजैन मुसलमान सब धर्म संप्रदायों ने सबसे पहले यदि किसी ने सुदृढ़ गद्य लेखन किया है हिंदी साहित्य में तो वो आचार्य कर्म पंडित प्रवट टोडरमल जी के रूप में है। जैन संस्कृति और भारतीय संस्कृति के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। सन 2019 में उनका 300वां जन्म वर्ष आ रहा था और सत्तर फाउंडेशन ने ये भावना भाई ऐसे महामनीषी का 300वां जन्म महोत्सव बहुत विशाल स्तर पर संपूर्ण देश ही नहीं संपूर्ण विदेशों को साथ में, विदेश के अनेक देशों को साथ में लेकर के उसे मनाया जाना चाहिए। कई तरह की योजनाएं बनाई, लेकिन आप सब जानते हैं कि बीच में कोरोना का ऐसा काल आ गया कि हमारी बहुत सारी गतिविधियां कुछ मंद पड़ गई और हमने एक चीज पर फोकस किया, 1008 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र, हमने प्रश्न पत्रिका का प्रकाशन किया। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा इस 1008 प्रश्नों की प्रश्न पत्रिका जिसमें 1008 प्रश्न है, इस प्रश्न पत्रिका को भरने के लिए पूरे विश्व में हमने मुहिम चलाई। टोडरमल दिवंगत जन सिद्धांत महाविद्यालय जयपुर का, वहां से निकले हुए हजार विद्वान और हमारे विद्वान साथी लोग, उन लोगों ने सबने साथ में मिलकर के काम किया। देश विदेश में जहां जहां हमारे ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं सबसे हमने संपर्क किया, सभी स्थानों पर कोऑर्डिनेटर बनाए। अमेरिका के कम से कम 30-40 शहरों में, इसके अलावा कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, कहां कहां की बात करूंगा आपको, सिंगापुर, नैरोबी अफ्रीका, जगह जगह इसकी एक मुहिम छिड़ गई। और एक वर्ष में अंतरराष्ट्रीय विद्वान आपके यहाँ गुजरात अहमदाबाद की धरा पर सतपथ फाउंडेशन के माध्यम से 1008 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी का ग्रैंड फिनाले कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जो 23-25 सितंबर 2025 तक आयोजित होगा। इस आयोजन में पूरे देश से हमारे पास में 10,000 से अधिक उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त हुई है, उनके रिजल्ट का ये कार्यक्रम है। हमने 200 प्रतिभागियों को बुलाया है, उनमें से टॉप और सेकंड थर्ड निकाले जाएंगे और इसमें पुरस्कार वितरण के लिए हमारे यहाँ गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र रजनीकांत भाई पटेल साहब की उपस्थिति रहेगी और उनके साथ में डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा मुंबई से भी उपस्थित रहेगी। हमारे आध्यात्मिक प्रवक्ता डॉक्टर उधमचंद जी भारिल साहब, डॉक्टर हेमंत भाई गांधी साहब सोनगढ़ से और इसके अलावा ब्रह्मचारी सुमन प्रकाश जी साहब खनिया धाना, उनके मार्गदर्शन और उनके सानिध्य का लाभ प्राप्त होगा। हमारे सतपथ के निर्देशक विपिन जी शास्त्री वो है ही, जिनके द्वारा ये पूरा आयोजन कौन बनेगा करोड़पति इसकी थीम पर आयोजित होगा और ये पूरे आयोजन का संयोजन हमारे आर के जैन साहब जो राजकुमार जी जैन साहब मुंबई से बधा रहे हैं इनके सानिध्य में किए। सर आप ये बताओ कि कौन से स्तर कौन सा है और टाइमिंग क्या है?
आपका आयोजन कहाँ होने वाला है इसके बारे में? ये जो सतपथ प्रश्न मंच ग्रैंड फिनाले का कार्यक्रम है ये 23, 24, 25 इस सितंबर। ओके ओके सर, आपका परिचय के साथ दिन रात मेहनत करके कई बार मुंबई से यहाँ चक्कर लगा चुके हैं, हमारे बीबी जी शास्त्री नागपुर से हैं, आपके काजी बानपुर ललितपुर से हैं, तो बहुत चारों तरफ फैली हुई है इसकी टीम। हम लोग यहाँ आए हैं और ये 200 लोगों को बुला करके और बड़े स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। जब इस कार्यक्रम के संबंध में यहाँ के अधिकारियों से चर्चा हुई, बड़े लोगों से बातचीत हुई और ये खबर मुख्यमंत्री साहब तक पहुंची, तो हमारा ऐसा व्यवस्था बनी कि शहर से ही माननीय मुख्यमंत्री जी साहब गुजरात सरकार, उन्होंने आने की हमें स्वीकृति प्रदान की। इतना विशाल आयोजन और पूरे देश से लोग जब यहाँ आ रहे हैं तो शहर से उन्होंने स्वीकार कर लिया और उनकी उपस्थिति से निश्चित ये कार्यक्रम बहुत कई समय होगा। कौन बनेगा करोड़पति के स्टाइल में 200 लोगों में से हम सेलेक्ट करके अलग अलग राउंड में लोगों को सेलेक्ट करके जाएंगे और लास्ट दिन 25 तारीख को 33 लोगों को सेलेक्ट करके और उनमें से भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड निकाल कर उन्हें मुख्यमंत्री जी के हाथ से उन्हें सम्मानित करेंगे। और पुरस्कार इसमें गोल्ड कॉइन है, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन पुरस्कार स्वरूप है। मैंने पुरस्कार भी 1008 पुरस्कारों में सब सोने चांदी के सिक्के ही है, ऊपर से नीचे तक माने सोना और चांदी ही बांटा जा रहा है। सोना और चांदी बांटना ये तो एक बहाना मात्र है, असली बात तो ये थी कि जो आचार्य कल्प पंडित प्रोफेसर टोडरमल जी साहब थे उनके साहित्य से जन जन को परिचित कराना, इनके साहित्य के माध्यम से अहिंसा नैतिकता और सदाचार के संस्कार डेवलप करना, जो 300 साल पहले ये काम करके गए हैं, जो लिख करके गए हैं, वो गांव गांव और दुनिया में बच्चे बच्चे के दिलो दिमाग में वो संस्कार डेवलप हो जाए और ये भारतीय संस्कृति की चली आ रही जो धारा है जो अहिंसा और नैतिकता पर आधारित है ये आगामी समय तक कायम रह सके, ये सारा कार्य किया गया है। और हम आपसे सबसे अपेक्षा रखते हैं आगामी 3 दिनों के इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से कवरेज आप लोगों के माध्यम से किया भी जाएगा। और कुछ विशेष बात हो तो मैं हमारे विकास जी उसका बेस क्या है, बोला वो जैन धर्म से ही है या पूरी दुनिया से, तो मैं इसके पहला जवाब तो ये दूंगा कि जैन संस्कृति और जैन मान्यताएं कुछ रिचुअल्स को आप छोड़ दे रहे हैं तो सब जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, जीवन से जुड़ी हुई सिखाए भले ही वर्तमान में वो चीजें ऐसा कहा जाता हो जैनों के नाम पर या जैन रात को नहीं खाते हैं या जैन शराब नहीं पीते हैं या जैन महासमुद्रा नहीं खाते हैं। वास्तविक बात यह है शुद्ध शास्त्रीय जीवन के लिए ये सर्व धर्मों की सर्वमान्य मान्यताएं हैं जो कुछ लोगों के माध्यम से नहीं हमारी कोशिश यह है कि ये मान्यताएं जन जन तक पहुंचे और लॉजिक से पहुंचे, युक्ति से पहुंचे, क्योंकि इसके लेखक जिन धर्म का अनुसरण करने वाले हैं तथापि इस ग्रंथ में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सर्व जन समुदाय, इसमें जाति पंथ संप्रदाय की कोई भावना नहीं है, कोई बात नहीं है, सबकी जीवन शैली बेहतर हो। खास करके इसमें टॉपिक था कि हमारे जो बैड इमोशंस हैं जैन शास्त्र में से कषाय होते हैं, नाम सुने होंगे आपने, मान माया दो, हर प्राणी इनसे परेशान है, हर घर में डिस्प्यूट है, परिवार में डिस्प्यूट है, समाज में डिस्प्यूट है, हम कैसे उन कषायों को हमारे बैड इमोशंस को क्रोध मान माया लोग को कंट्रोल कर सकते हैं, उनका अभाव कर सकते हैं, वो गाइडेंस इन प्रश्नों के उत्तरों में दिया गया है। इसलिए आप एक अंदर से कहना चाहें चूंकि जैन लेखक दोनों का है क्योंकि सबके काम का है, मैं इसे कभी नहीं कहूँगा ये जैन शास्त्र या जैनों का है, ये पूरी दुनिया के प्राणी मात्र के लिए उपयोगी ग्रंथ है और उसी उपयोगी ग्रंथ में सभी प्रश्न पूछे गए हैं। आप इसमें से कोई भी प्रश्न बोल के देखेंगे हर प्रश्न का जवाब हमारी जीवन शैली से जुड़ा है, इसलिए मैं कहूँगा ये सर्वोदय प्रश्न है, सबके लिए है और प्रसन्नता का विषय है। इसमें उन लोगों ने भी भाग लिया है चलना चाहता हूँ उसके लिए वो चर्चा है इसमें। अब जो भी लेखक होगा वो किसी न किसी कुल में तो जन्म लिया हुआ,
ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो जिसने जन्म लिया है ना वो हिंदू हो ना वो मुसलमान हो ना वो जैन हो या कोई ईसाई हो, तो कहीं तो उसने जन्म लिया ही होगा, लेकिन फिर भी उनकी जो भावनाएँ हैं वो सर्वोदयी भावनाएँ हैं, जीव मात्र के लिए है, प्राणी मात्र के लिए, मानव मात्र के लिए है, जो समझे उसके कल्याण के लिए। इसलिए इसका जो हमने जो टाइटल रखा है वो सत्य पथ रखा है, सच्चा पथ। सत्य किसी का नहीं है, सत्य पर किसी धर्म का फाउंडेशन नहीं है, सत्य के ऊपर किसी धर्म का लेवल नहीं है, ये सब के लिए है। ये सर्वपद है जैन शास्त्री अंतरराष्ट्रीय जैन विद्वान, ये जो विश्व स्तरीय सतपथ प्रश्न मंच ग्रैंड फिनाले कार्यक्रम है 23, 24, 25 सितंबर 2022 चैतन्य धाम जो कि गांधीनगर में एक प्रजाति संकुल है वहाँ से संपन्न होने जा रहा है, और इसमें दो दिन में 4 सत्र होंगे। पहला सत्र सुबह 9 से 12, दूसरा सत्र दोपहर में 2:30 से 4:30 और शाम को एक बाल सभा होगी, ऐसा ही अगले दिन होगा। और इन 4 सत्रों में 200 प्रतियोगियों को पुनः प्रतियोगिता द्वारा 33 लोगों को वहाँ सेलेक्ट किया जाएगा। उन 33 लोगों की प्रतियोगिता अंतिम सत्र 5 सत्र में माननीय अगली बार हमारी योजना है कम से कम 25 से 30 हजार लोग इसमें भाग लें और पूरा विश्व एक बार फिर से शास्त्रों की ओर साहित्य की ओर से जुड़े, ऐसी हमारी उसमें भावना है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्राइस, फर्स्ट मेरा प्राइस, दूसरा प्राइस और सेकंड प्राइस। और इस प्रतियोगिता में जो प्रथम पुरस्कार दिया जाना है वह 10 ग्राम सोने का सिक्का है, द्वितीय पुरस्कार जो दिया जाना है वो 8 ग्राम सोने का सिक्का है, तृतीय पुरस्कार दिया जाना है वो 5 ग्राम गोल्ड कॉइन है, नेक्स्ट टॉप 10 2-2 ग्राम के सिक्के हैं और नेक्स्ट टॉप 20 1-1 ग्राम का सोने का सिक्का है, बाकी टॉप 75 चांदी के 5 ग्राम के सिक्के हैं। देखो ये सिक्के तो बहाने हैं, असली पुरस्कार उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनको जो नॉलेज प्राप्त हुई है, पूरे जीवन भर मरण पर्यंत उनका चित्त शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा, मनुष्य जीवन का आनंद लेंगे, इसलिए ये पुरस्कार उनके लिए सार्थक पुरस्कार वहाँ दिए। थैंक यू सर। न्यूयॉर्क कहाँ कहाँ की बात करूँ मैं आपको, सिंगापुर, नैरोबी, अफ्रीका, जगह जगह इसकी एक टीम छिड़ गई और एक वर्ष में पूरे दुनिया भर से 10,000 की संख्या में ये प्रतियां पहुंच गई और भर करके हमारे पास में आने लगी। देश विदेश से अनेक साधर्मियों का सहयोग मिलने लगा, लोगों के कॉल आने लगे, हमने सोचा था कि ये 4,000 की संख्या में छपेगी और इतनी भी यदि हमारे पास में आ जाए तो बहुत होगा, लेकिन 4 को बढ़ा करके 6,000 की, 8,000 की, 10,000 की, और उसके बाद में भी क्योंकि हमारे को इसका एक समापन करना था और लास्ट डेट भी क्लियर करनी थी, इसलिए हमें उसे रोकना पड़ा, नहीं तो डिमांड इतनी थी कि हम उसे चलाते जाते तो शायद ये संख्या 25,000 तक पहुँच जाती। हमने प्रश्न पत्र जब आए तो उसे बहुत विशाल स्तर पर, क्योंकि 1,008 प्रश्नों को चेक करना, 10,000 कॉपियों को चेक करना, उसका रिजल्ट निकालना, दुनिया भर के कार्य करना बहुत कठिन काम था। लगभग 150 लोगों की टीम लगी और 1 महीने तक बराबर काम करके इसके रिजल्ट तैयार किए, और उसका समापन समारोह बहुत बड़े स्तर पर करने की दृष्टि से यहाँ अहमदाबाद को चुना गया, क्योंकि ये हमारे हुए गुरुदेव श्री कांची स्वामी जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, वो गुजरात प्रांत के रहे हैं और गुजरात में उनका काफी योगदान रहा है, गुजरात से उन्होंने अपनी आध्यात्मिक क्रांति को शुरू किया और पूरी दुनिया में फैलाया। आज उनका देवलोक गमन हुए भी 45 वर्ष से ज्यादा हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी दुनिया में आज भी उनको लोग लाइव सुनते हैं, तो चूंकि वे गुजरात से हुए इसलिए हमारी भावना हुई कि गुजरात प्रांत के लोगों को सक्रियता से जोड़ा जाना चाहिए, हमें अखिलेश भाई का काफी सहयोग मिला और यहाँ चारों तरफ काफी सहयोग मिला, और हमने चैतन्य धाम जो कि आपके गांधीनगर में स्थित एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है, वहाँ हमने 3 दिन का ग्रैंड फिनाले कार्यक्रम आयोजित किया 23, 24, 25 सितंबर जो परसों से शुरू हो रहा है। इस 3 दिवसीय आयोजन में हम हमारे पूरे देश से
1008 लोगों को जिनको पुरस्कार दिया जाना है, 1008 लोगों को एक साथ पुरस्कार देने के लिए बुलाना, उनके परिवार वालों को बुलाना, इतना मैनेजमेंट व्यवस्था करना पॉसिबल नहीं हो सकता था। इसलिए हमने उनमें से 200 पार्टिसिपेंट्स जो टॉप 200 थे उन्हें पूरे देश से यहाँ आमंत्रित किया और 23-24-25 इन 3 दिनों में उनका वापस रीचेकिंग होगी, री एग्जाम होगा, एग्जामिनेशन होगा और कौन बनेगा करोड़पति की स्टाइल में बिल्कुल उसी तरह का पूरा सेटअप हमारे आरके जैन साहब जो इस कार्यक्रम के पूरे संयोजक हैं और पूरे दिन रात मेहनत करके कई बार मुंबई से यहाँ। फिर आप सबका स्वागत है। मैं आपसे 11 साल पहले साइट में प्रवक्ता भी था, पास करने के लिए था। इस संपत की आंखें भी कुछ टाइम से चल रही है, कई रूपों में उसे देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ उसे कि मैं नागपुर होके आया, मुंबई में देखा पाठशालाएं वहाँ तेजी से संचालित हुई, पाश्चात्य की ओर बच्चे जा रहे हैं। वहीं पर मैं देखा हूँ कि मुंबई में, नागपुर में, दिल्ली में, ऐसे कई सारे शहरों में सतपथ के द्वारा पाठशालाएं संचालित की जा रही हैं और उन पाठशालाओं में बच्चों को धार्मिक शिक्षा, संस्कारवान कैसे बनाया जाए, संस्कारों से कैसा कैसे जोड़ा जाए, ये सारी पहल चल रही है। और उसी पहल को सभी लोग कहते चले आ रहे थे, तनावग्रस्त हो रहे थे, खासतौर से कोरोना काल में ऐसा काफी देखा गया। ऐसे में हमने देखा ये जो सतपथ की आंखें मोक्ष मार्ग प्रश्नोत्तरी के माध्यम से चली, इसने कई सारे, मैं भी टीम मेंबर में हूँ तो मुझे काफी सारे कॉल आए कि जब से मैंने इसको भरना शुरू किया है मेरा डिप्रेशन बहुत कम हो गया है, मुझे अब ऐसा लगने लगा नहीं बहुत जीना चाहिए, आशा की तरफ जा रहे थे, अभी आशा से बन गई और बहुत अच्छे से उन्होंने प्रश्नोत्तरी भरी है और यहाँ पर भेजी है। जब हम लोगों ने उसको चेक किया यहाँ पर, हम लोगों को काफी अच्छा लगा उसको देखकर और अच्छे खासे हम लोगों को इसमें भी काफी दिक्कत हुई कि 200 लोगों को कैसे इसमें से सिलेक्ट किया जाए और वो काफी मशक्कत के बाद उसे सिलेक्ट किया गया है और यहाँ बताया गया है बहुत बेहतर कार्यक्रम हुआ ही है। हमारा आप सबसे निवेदन है कि हम सकारात्मक खबरों को चलाने की तरफ एक पहल करें और उसी पहल के अंतर्गत सतपथ ना सिर्फ इस देश में काम करेगा बल्कि पूरी दुनिया में, जहाँ कहते हैं कि बुराई भी अच्छाई पे डिपेंड होके चलती है, वो अच्छाई के एक किरण के रूप में सतपथ आगे आगे और बेहतर तरीके से आप सबसे विनम्र निवेदन है इसको बहुत अच्छे से छापें और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि सतपथ बेहतर से बेहतर काम करता रहेगा, जैसा कि हमारे आदरणीय विवेक जी ने बताया, संजीव जी ने बताया।